हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए माननीय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं। माननीय अवस्थी जी बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। चेहरे की मुस्कान आपकी बता रही है कि आपकी तो गुड मॉर्निंग सुबह हो ही चुकी है। कैसे कट रहा है लॉकडाउन के दिन माननीय जी घर में? मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे तारीख पास आ रही है 14 तारीख की, तब तक वैसे वैसे अब लग रहा है कि ये इतनी बड़ी मिली हुई अपॉर्चुनिटी अब कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। ऐसे ही होता, शुरू में लग रहा था समय कटेगा नहीं, और अब शायद हम लोग, मुझे तो डर लग रहा है कि वापस क्या फिर हम उसी रूटीन में चले जाएंगे। अभूतपूर्व एहसास है ये पूरे समय का। संकट में देश का एक होना, इतना बड़ा समय, इतने बड़े विविधता से भरे हुए देश का इस समय लॉकडाउन के समय होना, और कर्टसी सोशल मीडिया, कर्टसी अ वेरी प्रोएक्टिव मीडिया, सबकी अपनी अपनी जो व्यस्तता और दिनचर्या है सब मालूम भी चल रही है सबने क्या किया है। मेरा तो, मैं आप देख रहे हैं यहाँ लॉन में बैठी हूँ और लगातार कोयल बुलबुल, आपको आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, पंछियों के चहचहाहट आ रही है। और मैं बहुत ईमानदारी से बताती हूँ, शायद इस लॉकडाउन, ये देखिए कोयल बोल रही है, और ये सच बात है, इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं कि व्यस्तता की आपाधापी में सुबह के बेहतरीन क्षण कहीं ने हम लोगों ने खोए हैं, और न जाने क्या पाने के लिए किस दौड़ में भागे चले जा रहे थे, एज इफ एक कोई जैसे ट्रेडमिल पे सवार हो जो कि बंद नहीं हो रही और बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कौन कौन सा सुख उसमें छूटा जा रहा है पीछे, उसका बहुत सुंदर एक एहसास शायद ऊपर प्रकृति ने दिला दिया है कि अपने आप से जुड़ पाए, अपने आप से एक अरसे बाद बात कर पाए शायद जी। तो मालिनी जी, अच्छा, आप जो कह रही हैं वो हम सब सुन पा रहे हैं, और आपके पीछे जो आवाज आ रही है, यकीन मानिए नमस्ते भारत के जो भी दर्शक इस वक्त लाइव होंगे उनको सुनकर बड़ी खुशी हो रहेगी कि हमने नेचर को सांस लेने का मौका दे दिया, क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। तो आप अपना एक दिन, पूरा एक दिन, इस लॉकडाउन में तो कई दिन बीत चुके हैं, पूरा एक दिन आपने कैसे व्यतीत किया, क्या कुछ किया समय काटने के लिए, अगर अपने दर्शकों से साझा कर सके? एक तो खाना खूब बनाया, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, और कहीं ना कहीं वो व्यस्त दिनचर्या में उन चीज़ों का, ये कह लीजिए कि उतना वक्त नहीं मिलता, या ये कहीं पिछले तो मेरा तो 7-8-10-12-15 साल पिछले बहुत बेहद व्यस्त रहे, जब तक कि बच्चे अच्छे आ जाए तो कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बीच में खाने का डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ अच्छा बनाना, और जो पतिदेव हैं उनके ऊपर इस समय बहुत गहरी जिम्मेदारी है, तो वो आम घरों जैसा नहीं है जहाँ पर हस्बैंड्स घर पे बैठे हैं हमारे साथ, वाइफ हस्बैंड साथ हैं, ये उतने ही सक्रिय, उतने ही व्यस्त हैं जितने कि आम दिनों में होते थे, और वजह तो आप लोगों को मालूम है। तो ऐसे में जब ये आते हैं और बस तुरंत भागना होता है इनको, तो जैसे नई नई बीवी थी तब करती थी, वो खाना ले करके भागना और प्लेट लेके दौड़ना कि कुछ खा लो फिर तुम निकल जाओगे, तो आई थिंक वो रोमांस वापस आ गया मुझे। ये भी सुख है मालिनी जी, ये भी करते सुख रहना चाहिए क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ चूंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं तो एट अ स्ट्रेच बहुत समय तक भूखे रहना या ना कुछ खाना, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बनाना कि मीठा भी बन जाए लेकिन शुगर फ्री हो, इन चीज़ों पर मैंने बहुत समय से हाथ ही जैसे आजमाना छोड़ दिया था, वो शुरू किया। दूसरा, मुझे लगता है आर्टिस्ट खाली बैठ ही नहीं सकता, कलाकार तो कोरोना पे ही गाने दो बना डाले, वो खूब गाए गए चैनल्स में, आपका भी बुलाया गया तो आकर के मैंने गाया, और तीसरा चैनल्स के थ्रू भी रूबरी हुई, और सबसे बड़ी बात जो है जो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रोकूंगा, आपके किताब लिखने की प्लानिंग बहुत अरसे से चल रही थी, आवाजें आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि आर्टिस्ट घर में अकेला नहीं रह सकता, तो आपने रियाज भी किया होगा कोरोना पे, गाना भी आपने बनाया, तो आज फिर से हो जाए इसी खूबसूरत सुबह में? अब आपने कोयल की बात करी है तो मैं आपको बिल्कुल एक बहुत सामयिक मौके का बहुत प्रासंगिक चीज सुनाती हूँ। चैत का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पर गीत संगीत भी आपको पता है कि प्रकृति से प्रेरणा लेके बना, मैं चैती सुना रही हूँ आपको जो कोयल के बोलने पे ही है।
एक सेकंड दान पूरा ले लू, एक सेकंड। जी बिल्कुल, अपना वक्त लीजिए। तो मालिनी जी अब तैयारी कर रही हैं उस गाने के लिए जो सोशल मीडिया में खूब वायरल है, खासतौर पर कोरोना पर मालिनी जी ने गाना बनाया है, और हम चाहते हैं कि सुबह आप इस गाने को सुनें और समझें कि एक आर्टिस्ट कैसे खाली नहीं बैठ पाता और मौके को देखकर गाना बना देता है। जी मालिनी जी बताएं। जी ये कोरोना पे नहीं, ये तो जो उन्होंने बोला कि क्या समय समझ में आ रहा है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है गाना वो बता रही हूँ। जिस माहौल में बैठी हूँ उसी कोयल की आवाज से चैती सुना रही हूँ। चैत माँ से बोले ली कोयलिया हो रामा, मोरे अंगनवा। अरे चैत माँ से बोले ली कोयलिया, अरे चैत माँ से बोले ली कोयलिया हो रामा, मोरे अंगनवा। चैत माँ से बोले ली कोयलिया, कुहक कुहक करे कारी रे कोयलिया, अरे भारी भारी आवेले नयनवा हो रामा, मोरे अंगनवा। चैत माँ से बोले ली कोयलिया हो रामा, मोरे अंगनवा। चैत माँ से बोले ली रे बोले ली कोयलिया, चैत माँ से बोले ली कोयलिया हो रामा, मोरे अंगनवा। चैत माँ से बोले ली रे, चैत माँ से बोले ली रे, चैत माँ से बोले ली कोयलिया हो रामा, मोरे अंगनवा। क्या बात है मालिनी जी, स्टूडियो में हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से एक बहुत बढ़िया से हम तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, और चैत भी आ गया, कोयल भी आ गई, सुबह भी आ गई, आपका सुर भी आ गया। जनता कर्फ्यू के दिन भी आपने मालिनी जी एक गाना बनाया था और खूब वायरल हुआ था वो गाना, खूब पसंद किया गया था। फिर आप खुद कह रही कोरोना को लेकर भी दो गाने दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग आपके गाने, इन तीनों में से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुना दे प्लीज। जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले तो मैंने जो कोरोना का गाना बनाया था, जो प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था और बहुत पसंद किया था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे जिसने बहुत हिला दिया वो दृश्य था हमारे प्रवासी भाइयों का। बिल्कुल। जब वे दिल्ली से निकल करके अपने अपने घरों को जाने को चल दिए गठरी बांध के, तो बस उस समय पे उद्वेलित हो गई थी मैम, और तब मैंने खुद ही लिखा था और गाना बनाया था वो भी बहुत। हरी जान के जोखिम पे डार के चले कौन से देश को, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, तेरा गांव है बड़ी दूर, तुझे जाना है बड़ी दूर, क्यों छोड़ा ठोर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर, विपदा में खुद को संहार के, अरे रुकी जाओ वही जाने देश रे, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, हिम्मत से काम लेना डरना मत, मत घबराना, जल्दी ही दुख टरेंगे जल्दी ही दिन बहुरेंगे, तुमसे है देश की खुशहाली, अरे आएगी नई लाली हो, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, मोरे परदेसी भैया मोरे।
परदेसी भैया। बहुत ही खूबसूरत मालिनी जी, चूंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपसे हम ये चाहें कि आप कोई अपील करना चाहेंगी उन लोगों से जो इस लॉकडाउन का बहुत ही केयरफुली पालन कर रहे हैं, और उन लोगों से भी जो गंभीरता से अभी भी इसको नहीं ले रहे। देखिए, ये तो इंसान की फितरत है, बंधन में रहना उसे अच्छा लगता ही नहीं है, और जब तक वो आजाद होता है बंधन में बंधना चाहता है, बंधन में बांध दीजिए तो आजाद होना चाहता है। ये तो फितरत है इंसान की, और इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद दुनिया के लिए मिसाल है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इतने बड़े देश को इतनी बड़ी आबादी और इतनी दिक्कतें जहाँ पर हमारे अपनी अलग हैं, उसके बावजूद इतना अभूतपूर्व रूप से मैं कहूँगी सफल रहा है लॉकडाउन। व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, 130-133 करोड़ की जनता, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश खुद ही मुझे लगता है कि इसमें 7-8 इटली आ जाए, इतना बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी यूपी की। ऐसे में आई थिंक कुछ एक घटनाओं को यदि आप छोड़ दें तो अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है मैं कहूँगी। लेकिन पहली बात तो मैं निजी राय आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन शायद और एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो हम सब के लिए बेहतरी के लिए है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, और जब हम जिंदगी का बही खाता हिसाब करने बैठेंगे तो हमको ये 1.5 महीने भी यदि मांगा जाए हमसे घर में रहने को। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़ी, और हमारे तमाम दर्शकों से आपने एक बहुत अहम अपील की है, वो ये कि लॉकडाउन जो है वो जरूरी है, उसका पालन वो लोग करें। साथ ही साथ एक निजी राय मालिनी अवस्थी ने अपने सामने रखी है कि लॉकडाउन से स्थिति कुछ बेहतर हुई है तो हो सके तो इसे कुछ और आगे बढ़ाना चाहिए।